निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था कर रखी है आपसे एक पैसा नहीं लिया फ्री है इस वर्ग के लिए। अगर किसी को अपने मजदूरी और मजदूरी से संबंधित के अलावा भी कोई विषय की जानकारी चाहिए, चाहे वो प्रताड़ना होती हो, चाहे उसके साथ मारपीट होती हो, अनुचित व्यवहार होता हो, कोई उसको बुरे शब्द का इस्तेमाल करता हो, कोई दहेज के लिए प्रताड़ित करता हो, कोई घरेलू हिंसा के लिए उसको किसी को तंग करता हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वहां पर सरकार की तरफ से निःशुल्क विधिक सहायता कानूनी सहायता की व्यवस्था हमारे लिए भारत सरकार ने की हुई है। ये बात मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को मालूम है, कई लोगों को मालूम हो सकती है लेकिन कुछ लोगों को नहीं, इसलिए आज मैं चाहता हूं कि कम से कम ये बात भी हम जानकर जाएं कि विधिक सहायता हमें उपलब्ध। ये बात कैसी लगी आपको? इसके अलावा शहरी गरीबी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने आपके लिए जॉब कार्ड की व्यवस्था की है, क्या ये बात आपको पता है? जो लोग उसके लिए आपको यहाँ पर एक शिविर की व्यवस्था जल्दी ही होने जा रही है और मुझे हमारे साथी बता रहे हैं कि वो परसों वो शिविर आपके लिए लगे, जहाँ आपको सरकार की कोशिश है कि जहाँ रहते हैं उस जगह के आसपास ही आपका जॉब कार्ड बन जाए और अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको वो काम वहाँ पर मिल जाए। ये बात कैसी लगी आपको? अब आता है स्वास्थ्य के लिए भी आपका स्वास्थ्य कार्ड सरकार ने बनाने की व्यवस्था की हुई और मुझे मालूम है कि सबने अपना स्वास्थ्य कार्ड बनवा रखा है पहले बाबा शाह के नाम से था, अब चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड आपका बन रहा है जिसमें आपका 10 लाख तक का चिकित्सा की व्यवस्था देने की व्यवस्था आपकी की गई। तो अब ये जितनी योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत, चिरंजीवी योजना, शहरी रोजगार योजना, ई मित्र, ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कार्ड और लेबर डायरी, और आप यहाँ रसोई में बैठे हैं, 8 रुपए में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था है, तो ये भी है। तो कितनी चीजें हो गई? जब ये सारी चीजें एक काम करने वाले